क्या करती है तू? हमेशा अपनी बड़ी बहन से दुश्मनी करती है, तुझे कहीं अच्छी नहीं लगती? हाँ, नहीं लगती है। उठा। नहीं, ये नहीं उठेगी। रहने दो माँ, मैं उस पर बैठ जाती हूँ। मुझे जल्दी दो। चल देखा। जल्दी दो ना। पता नहीं कब सुधरेगी। स्कूल जा रही हो बेटी? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सेंट जोसेफ में। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं आंटी, हम रोज स्कूल बस में जाते हैं। स्कूल बस आज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवरों ने स्ट्राइक कर दी है। अच्छा। हाँ चलो चलो, आजा आजा, चलो ड्राइवर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हाँ सुनिए सुनिए, मेरा तो जी घबरा रहा है, न जाने कहाँ चली गई होगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आप कुछ कीजिए ना। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज रखो। हाँ धीरज रखो। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। तुम क्यों रो रही हो बहन? मत रो। देखो मैं रो रहा हूं क्या? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? अपने माँ बाप से जो बिछड़ गई है। हाँ, इन गुंडों ने हमारे साथ इस बेचारे को भी पकड़ रखा है। आखिर लोग चाहते क्या है? क्या ये हमें मार डालेंगे? नहीं, ये नौबत मैं नहीं आने दूंगा। बच्चा मैं तेरे ऊपर खड़े रह के खिड़की खोलता हूँ। ठीक है। किसे? एक तरकीब है, तुम लोग अपने शर्ट उतारो। ऐसा किया ना तो एक को खत्म कर दूंगा, समझे? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे क्या करो? नहीं दौड़ा जाता। अच्छा तुम उधर छुप जाओ, मैं इनको इधर से मजा चखाता हूँ। तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कहाँ बच के चले गए बच्चू? Oh,
हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? मिली वो? सेठ साहब, पुलिस पूरी फोर्स के साथ छानबीन कर रही है। अरे कब तक छानबीन चलती रहेगी आप लोगों की इंस्पेक्टर साहब? यहाँ पर बच्ची के बगैर एक पल गुजारना मरमर के जीने के बराबर है। मेरी बीवी यहाँ पर रो रो के बिल्कुल हलकान हो गई है इंस्पेक्टर साहब। बस सर, थोड़ा सा वक्त और दीजिए, हम आपकी बच्ची को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है। लक्ष्मी, अभी इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा, हमारी बच्ची मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा दिल भी कहता है कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। लड़की कौन है? मुझे नहीं मालूम, मालिका का से पूछना पड़ेगा। नमस्ते मालिक। अरे कैसा रहा सफर? सफर तो अच्छा रहा, लेकिन मालिका का जी छोटे मालिक, ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है छोटे मालिक। बेटी? कल तक तो आपकी कोई बेटी नहीं थी छोटे मालिक। कल ही तो भगवान को मुझ पे दया आई और मेरी उजड़ी विगोद में उसने इसको डाल दिया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है मालिका का, है ना आशा? हाँ भैया। तुम हमारे साथ खेलोगी? हाँ। तो चलो। शंकर जी मालिक, लगता है हमारे बच्चों को भी तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी लगी। चलो अच्छा हुआ विजय और आशा को दोस्त मिल गए। बार बार तनाई से बोर होकर दूसरे दोस्तों के यहाँ जाने का नाम नहीं लेंगे अब। हाँ मालिक, आप जैसे लोगों की छत्र छाया में रहेगी तो कुछ तमीज कुछ सभ्यता सीख जाएगी। मैं अपना पेट काट कर भूखा रहकर इसे खूब पढ़ाऊंगा और एक काबिल बच्ची बनाऊंगा इसे, और फिर मैं कोई अच्छा सा घर देकर इसे ब्याह दूंगा, गंगा नहा लूंगा, बस जिंदगी की कहानी खत्म। वाह, सिर्फ चार शब्दों में जिंदगी की पूरी कहानी कितने अच्छे अंदाज से बता दी तुमने। खैर, कल से ये भी विजय और आशा के साथ पढ़ने जाएगी और पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मालिक, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो जरूर मिल जाएगी। मालिक, मालिक अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कोशिश करें। क्या है रामू? हमारा एक गांव वाला कह रहा था, यहाँ दो जासूस हैं, राम बलराम, बहुत चालाक हैं, बहुत लोगों के खोए हुए बच्चे और पिछड़े हुए रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाए हैं। अगर आप कहें तो जाकर बात करें। जरूर करो रामू, अगर वो लोग मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाएंगे तो मैं उनका मुंह मोतियों से भर दूंगा। कौन है, कौन है? हम हैं साहब। आए, इतने घबराए हुए क्यों हो, थर थर क्यों कांप रहे हो? अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। वो औरत की आवाज नहीं है तो? वो हमारी घंटी की आवाज। घंटी? नहीं समझे, कम दिस साइड, लुक। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घंटी। आइए अंदर, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए केस क्या है जी? हमारे मालिक की एक छोटी सी बच्ची है, कुछ उम्र होगी 4 साल, एक महीने से गुम हो गई है। और उसके गम में मालकिन तो रो रो के हलकान हुई जा रही हैं। अगर आप उस बच्ची को ढूंढ लाए तो आपको मुंह मांगी फीस मिलेगी। Why not? Why not? आपके पास कोई फोटोग्राफ वगैरह है? हाँ है। वाओ, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। आप ये जासूसी कंपनी दोनों मिलकर चलाते हैं? जी हाँ, राम बलराम डिटेक्टिव एजेंसी, चाइल्ड एंड वुमन स्पेशलिस्ट। आपको कोई एतराज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आप श्री? तात श्री बलराम। और पूज्य राम जी? गया होगा जग मारने गए। अब मेरा मतलब हवा खाने गया। बात क्या है कि हम लोगों का काम दिमाग का है। ओ। तो काम करते करते दिमाग थक जाता है, तो मेरे श्री राम जी
किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। ए माई बुक्का रोटी दो, ए माई ए बाबा ए बाबा बुक्का कुछ बासी रोटी दो दोनों बाबा 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 ए बाबा ए भाई बुक्का रोटी देना रेडी देना बहुत भूखा है। अरे भाई हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? काहे को शर्म आएगी, हम तो खानदानी फकीर है, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो पेट को रोटी तो चाहिए ना, रोटी तो भगवान तेरा। माए चल, हफ्ते में 10 बार तेरी याददाश्त खो जाती है, तू जासूस से भिखारी बन जाता है। माई को डाल कढ़ाई में, मेरी बात सुन मेरे बाप, मेरी बात सुन, बहुत मुद्दत के बाद एक जबरदस्त केस मिला है, माला माल हो जाएंगे, चल मेरे साथ। क्या पटांग बातें कर रहा है, कौन जासूस, किधर का जासूस? आज मालूम है, आज है ना अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक बुढ़ी सेठानी सुबह अपने कार में आई थी, बोली तुम्हें तो से जाना नहीं, इधर ही खड़े रहना, आज मेरे पति का श्राद्ध है, हलवा पूरी खाने को मिलेगी और साधु चारा ना मिलेगा। मार गोली उस बुढ़िया को, हलवा पूरी चाराने पे अटका हुआ। क्या बात कर रहा है, इधर शाम को जलता होने वाला है। यार 3 साल पहले हो चुका उसका। लगता है वापस आ जाएगी। मैं ये क्या कर रहा था? ठग मार रहे थे यहाँ सड़क पे खड़े होके, भीख मांग रहे थे। मैं भीख मांग रहा था? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? जी नहीं, भगवान के वास्ते अपने दिमाग का इलाज कराने तो भेजा बदलवा, मैं बहुत तंग आ गया भैया। चल बातें करता है। अच्छा तू ऑफिस चल, यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कोई केस आया होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही ये कह रहे हैं, हो सकता है, नहीं केस आया है, बहुत बढ़िया केस आया है। क्या केस? एक बच्ची की तलाश करनी है, माला माल हो जाएंगे, माला माल। लवली चल। ले लो बेटा बिस्किट खा लो। नहीं चॉकलेट चाहिए। कैसे समझाऊं, चॉकलेट पार्क में नहीं मिलता। ये सेठ केदारनाथ की खोई हुई बच्ची लग रही है, ये आदमी उसको मना रहा है, वो रोती जा रही है, और उस अरे उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है, कितना इमोशनल सीन है। खा ले बेटा, रोते नहीं। हाँ ले लो। रोना नहीं, आंसुओं को कंट्रोल करो। क्या करेंगे? वही जासूसी पैतरे। उठ स्टार्ट। कैसे समझाओ बच्ची को, बेटा चॉकलेट नहीं मिलता यहाँ पार्क में, मैं रास्ते में दिला दूंगा चॉकलेट। हाँ अरे क्या करो तुम लोग, खामोश। अरे आवाज करेगा तो गोली मार दूंगा। अरे पर क्यों, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बाप की बच्ची है, दूसरों की औलाद को लेकर भागता उनके माँ बाप से लाखों रुपया वसूल करेगा? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। निकल। ओके डन। अरे अरे क्या कर। सेठ जी देखिए, दुनिया का 8वां अजूबा, जो काम पुलिस 1 महीने में नहीं कर सकी उसे मैंने 1 दिन में कर दिया। हमने आपकी बच्ची मिल गई। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? जिगर थाम लीजिए, आ रही है आपकी बच्ची। ये मेरी शांता नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। ये किसकी बच्ची उठा लाए? अरे क्या बात करते सेठ जी, अपनी जान को बाजी पे लगा के, डाकुओं से छुड़ा के, उठा के ले जाने वाले को बेहोश बना के बच्ची लेकर आप बोलते किसकी बच्ची उठा के लाए? चश्मा लगा, ये आपकी बच्ची है। बेटी तेरे डैडी है ना? नहीं है। क्या बात करती है, डैडी है ना? नहीं है। नहीं है तो इधर आके बोलती नहीं, रास्ते में नहीं बोलने का, 15 मील से भगा के लाए, सांस फूल गई। हो गया ना विश्वास? सेठ जी हो सकता आप दोनों से कोई गलती हो गई हो, जरा गौर से देखिए। अरे बच्चा है, कोई बक्सा थोड़ी है जो गौर से देखे, और अगर हमारी बच्ची होती तो भाग कर हमसे चिमट न गई होती। हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो। खामोश। चलो छोड़ो, फिर धंधे की बात करते। बोलो क्या देते हो उस बच्ची का? बहुत बेशर्म आदमी है ये, बच्ची का धंधा करता है। अरे उठाओ इस बच्ची को, ले जाओ यहाँ से। अच्छा हम सेठ जी कुछ मजदूरी देते तो, हम 2 दिन से खाना नहीं खाया, चक्कर आ रही। गुरखा। अरे 22 रुपए ऑटो के तो दे दे। हाँ कुछ तो दो, ऐसे थोड़ी। जी साहब निकाल दो इन दोनों को बाहर। अच्छा अरे 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 ये गया, ये गया सेठ जी। अरे ये चालू हो गया। माई भूखा है माई। अरे माई उधर रही, माई वो रहे सेठ जी। सेठ जी भूखा, ये रहे गुरखा जी।
गुड़ का डाल दे, डाल दे, डाल दे, बीड़ी डाल दे इसमें। इसको ये क्या? अरे कर, अरे कर, चल, चल कर, बाहर निकल, बाहर निकल, चल, बाहर निकल, चल, लेट में दिखाई, अरे बाहर निकल, बाहर निकल, आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, इसी घर में जाते देखा दोनों को। अरे बेबी देखिए तो गिरफ्तार करो इन दोनों को। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर बच्चे हम लोग, हम लोग, हम लोग जासूस लोग हम लोग, बहुत बड़े, तू बता रहे हैं पहले बोला था यार। अरे भीख मांगता है एक तो बच्चे को भगा था ऊपर से। अरे यार तो हम लोग जासूस लोग हैं, जासूस हम लोग बहुत नाम वाले जासूस हैं। बार बार ज्योति चलो तुम मेरे साथ खेलो। नहीं देख नहीं रहे, मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ना बाद में, पहले तुम मेरे साथ खेलो। नहीं मुझे ढेर सारी किताबें पढ़नी है, मुझे मेरे बाबूजी का सपना पूरा करना है। इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी? नहीं विजय, विजय मेरी किताब दो। नहीं देता, दो ना, मुझे पढ़ना है। पहला तुम मेरे साथ खेलो। विजय मेरी किताब दो। अरे लास्ट चैप्टर पढ़ना बाकी रह गया। अरे पहले मेरी बात का जवाब दो। पहले किताब दो। अरे पहले मेरी बात का जवाब दो। अच्छा बाबा बोलो क्या है ये? क्या क्या है कि तुम ऐसे घड़ी 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 दिखाकर बात करोगी तो मैं धक 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 अपने दिल की बात कैसे कह पाऊंगा? देखो सीधे तरीके से मेरी किताब वापस करो, मेरी परीक्षा सर पे आ गई है। तुम्हारी तो परीक्षा आने वाली है और मेरी तो बरसों से चल रही है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। सुनो कब मिलेगा? क्या रिजल्ट का परिणाम? देखो बंदा परवर, थाम लो जिगर बन के प्यार से आया हूं। मैं एक गरीब माली की बेटी हूँ, अपनी हैसियत को अच्छी तरह जानती हूँ। भगवान के लिए मेरी असलियत और औकात का मजाक तो मत उड़ाओ। और ये क्या है कि तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ये है कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, यू नो माई पत्नी। और तुम्हारी ये बात बाबूजी सुन लेंगे ना तो मुझे फुटबॉल की तरह मार मार के घर से फेंकवा देंगे। तो तुम मेरा क्या करेंगे? तुम्हारा तुम्हारे पाँव में रस्सी बांध के पंखे से उल्टा लटका देंगे। यू मीन कि मैं घूमना शुरू कर दूंगा? सीमा बिना किसी से कुछ कहे आजकल तुम जाती कहाँ रहती हो? क्या मामी तुम्हारी ये टोकने की आदत कब जाएगी? मगर तुम जा कहाँ रही हो? सीआईडी की तरह सवाल क्यों कर रही हो? मेरी एक सहेली का बर्थडे है, वहाँ जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो माँ बेटी हमेशा झगड़ा क्यों करते रहते हो? सीमा बेटे थूक दो गुस्सा। सुनो लक्ष्मी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है, ऐसे में रोक कर इसका दिल मत दुखाया करो भाई। सहेली का बर्थडे मना कर आ जाएगी, जा बेटी जा। और सुन जरा जल्दी आ जाना वरना तुम्हारी जगह मुझे तुम्हारी माँ की डांट सुननी पड़ेगी। डोंट वरी डैड, मैं अभी गई और अभी आई, विद इन नो टाइम। हेलो सीमा। ये क्या अनिल इतनी देर, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, कहाँ से आ रहे हो तुम? ये प्रसाद है सीमा, और मैं मंदिर से आ रहा हूँ। मंदिर? हाँ सीमा, जब तक मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना ही किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो पहले भगवान और फिर भगवान के बनाए हुए इंसान। ये लो प्रसाद। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मेरे भगवान उस भगवान के भक्त है और मैं इस भगवान की।
भक्त कृष्ण सहजै बस ताकि प्रेम सहित गुण गावत जा। ये क्या है? क्या 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 है? जब मैं नीचे आरती कर रही थी तो तुम अच्छे भले वहीं खड़े थे, और जब मैं प्रसाद लेकर तुम्हारी तरफ आने लगी तो तुम यहाँ अपने कमरे में आ गए। इसके दो मकसद हैं, एक ये कि मैं प्रसाद तुमसे यहाँ लेना चाहता था, और दूसरे अकेले में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्रसाद तो ठीक है, लेकिन बात बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्या ये सब क्या हो रहा है? तुम उसे इतनी दूर दूर खिंची खिंची से क्यों रहती हो? मैं कहाँ दूर रहती हूँ, रोज तो तुम्हारे साथ कार में कॉलेज जाती हूँ। अरे तो बस में चला करो ना भाई। बस में? बस में 100-150 आदमी नहीं होंगे? तो और भी अच्छा है ना, बस में 100-150 आदमी के सामने धक्के लगे एक। अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर कार में क्या हर्ज है? कार में हर्जा है ना, वो आशा जो बीच में होती है ना, हाथ आगे से डाल सकते हो ना पीछे से। क्या कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, यू नो आई मीन यू नो ना, लेकिन आई थिंक यू नो मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकती। लगा था परसा। बड़े तकदीर वाले हो शंकर, जो भगवान ने तुम्हें ऐसी बेटी दे दी, इसीलिए इसका नाम ज्योति है, दुनिया में उजाला कर देगी एक दिन। अच्छा ओ बैठो। अरे शंकर, ज्योति के लिए कोई लड़का ढूंढा तुमने? मालिक मैं कौन होता हूँ आपके होते हुए लड़का ढूंढने वाला। बड़ा खुशकिस्मत होगा वो घर जहाँ ज्योति बहू बनकर जाएगी। चले चलो। आशा कहाँ है? आशा वो लता घर गई। लता के घर? क्यों? वो उसकी लता की माताजी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए वो। माताजी? लता की तो माँ ही नहीं है। हाँ मैंने माताजी कहा। हाँ उसके पिताजी की तबीयत खराब है। पिताजी? अरे भाई वो किसी की तबीयत भी खराब होगी, तुम चलो ना रास्ते पे पिकअप कर लेंगे उसको। ठीक है। धन्यवाद हमारे। अरे भैया भैया सुनो तो, हो गई ना छुट्टी। Yeah.
जाने जान जानम एक दूजे में चल हो जाए दोनों तन मन एक हो जाए forms of business organization. There are a number of different forms of organizations like private sector and business sector. भैया एक बात बताओ, तुम जब भी बाहर से आते हो बहुत ही अच्छे मूड में होते हो। ज्यादा समझदारी की बात बेटा विजय। जी डैडी, देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी आई है। तुमने वो क्रैश कोर्स के लिए अमेरिका में दरखास्त दी थी ना, वो दरखास्त मंजूर हो गई है। पढ़ो और फौरन अमेरिका जाने की तैयारी करो। जी। अरे इतना सूखा सा जी, ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? कल तक तो तुम इस खत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज जब आया है तो कोई असर नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं डैडी, मगर अब इस क्रैश कोर्स की क्या जरूरत है? है बेटे बिल्कुल जरूरत है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और फिर वक्त भी कितना लगेगा, सिर्फ 6 हफ्ते। इस महीने चले जाओ और अगले महीने के आखिर में वापस। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो जाओ तैयारी करो। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? बताता हूँ। वो जरा अपना हाथ तो दिखाओ, बायां हाथ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में वो जो जिद वाली लकीर है वो कितनी गहरी है। मजाक मत करो। प्लीज दिखाओ ना। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं विजय। नहीं ज्योति, अब तुम इस अंगूठी को कभी नहीं उतारोगे। तुम्हें मेरी कसम, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है ज्योति। छोटे मालिक, आप बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। गरीब की सबसे ज्यादा कीमती दौलत उसकी इज्जत होती है, पर आप उस इज्जत को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी अंगूठी वापस ले लें। नहीं काका, मैंने ज्योति को कभी कभी खिलौना नहीं समझा है, बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी मानता आया हूं। मैं इसे अपनी होने वाली पत्नी समझता हूं और ये अंगूठी इस बात का सबूत है। छोटे मालिक, अब मेरा यकीन करो काका, ये भगवान का मंदिर है और मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने ज्योति को दिल से अपना माना है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। आप समझते क्यों नहीं छोटे मालिक, बड़े मालिक एक गरीब की बेटी को कभी अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सहज स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर डैडी नहीं माने तो इस भगवान की सौगंध, ये सारे जहां का मालिक है, मैं सब कुछ दौलत जायदाद सबको ठोकर मारकर ज्योति का हाथ थाम कर निकल जाऊंगा। छोटे मालिक, आज के बाद आप मुझे छोटे मालिक मत कहिए, बल्कि एक बेटे के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आशीर्वाद दीजिए
ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अच्छा है ना बिस्किट? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। यही है सेठ केदारनाथ की बेटी। बेटा, तुम एक बिस्किट खा लो, एक मैं खाऊंगा। सेठ जी आइए, माँ जी आइए, अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अपने वादे के मुताबिक मुझ पर आराम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी? मुझसे कह? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या, इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल की जरूरत है? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो, ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है, तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। हा? मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो, लो मैं समझा, तुम्हारी बच्ची तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दिया, इसको उठा के ला, इधर तुम बोलते तुम्हारी बच्ची नहीं है। ए बच्ची, लगता तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप है ना? नहीं है। देखा? नहीं है? नहीं है। तो इधर आके बोलती, रस्ते में नहीं बोलेगा, 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ, बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ है ही नहीं। चलो मान लेते कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो कुछ लेन देन करके इसको रख लो, तो मामला भी खत्म हो जाएगा और अपना भी कुछ काम हो जाएगा, तो कुछ दे देते तो। गोरखा, काहे के लिए साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा, आया। आ रहा, उसको बोला खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? इनको। तुम फिर इधर आ गया साहब, ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ के जाएगा साहब। ए, ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा, पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चले बाहर निकल, निकल बाहर। हाँ जी इधर आओ। जी साहब। अरे किसको लेकर जा रहा है? अरे तुम्हारा कॉलर इधर है और तुम उधर है। हाँ तो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर खाली कॉलर है, कमीज है ही नहीं, ये देखो। अरे बाहर निकल, अपना कॉलर बाहर निकल, चल बाहर निकल, निकल बाहर, दिखता नहीं यहाँ पर अभी। फिर क्या आदमी है यार? देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिर वही आदमी। इस आदमी ने पिछले 18 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है, अब मेरे सहन के बाहर हो रहा है। आप बूढ़े हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन ये आदमी नहीं बदला। पहले पहले मेरी बेटी को भगा के ले जाता था, अब मेरे पोती को भगा के ले जाता है। मैं हर बार इसी आदमी की बच्ची क्यों उठा के लाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अबे ये मेरी बच्ची नहीं, ये मेरी पोती है। अरे क्या बात करता है, कल तक तुम कहते थे तुम्हारी बेटी, आज का तो तुम्हारी पोती है। अरे क्या नालायक इंसान है, कल तक की नहीं 18 साल पुरानी बात है ये। पिछले 18 साल से मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। 18 साल? हाँ। नहीं नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई, 18 साल नहीं हुए। मेरी याददाश्त खराब हो गई? 2 महीने तो हुई है बात को। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है, 18 साल को 2 महीने कह रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए, इसे यहाँ से तड़ी पार करा दीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये दोनों काम आखिर के ठीक है, ये करा लीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ तो कीजिए, वरना यार। ये देखा इसका दूसरा रूप, पहले बच्चे को भगा के ले जाता है, बाद में भीख मांगता है। देखो जेट, कभी भूल कर हाथ मत लगाना, मैं इज्जतदार आदमी का मामूली आदमी। समझ गए, कॉलर हाथ में तो क्या हुआ, मगर इज्जतदार आदमी हूँ, खबरदार। इंस्पेक्टर साहब, हैंग दिस मैन, हैंग दिस मैन, आई टेल यू। इंस्पेक्टर साहब ठहरिए ठहरिए, इंस्पेक्टर साहब ठहरिए, इका जरा से हम माफी मांगते हैं, इका माफ कर दो, वो कहा है कि इका ऊपर का माला थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। हम वादा करते हैं आइंदा ये कोनो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर, तो इसे रस्सी से बांधकर अपने घर में रखिए, वरना मैं इसे 10 साल के लिए अंदर कर लूंगा, 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। चलिए सर जी, चलिए 20 और चलिए, मेरे 18 साल बर्बाद किए ना, चलिए तू दे 18 साल। अरे घोचू घोचू, आधी जिंदगी निकल गई, लग तो सुधर जा। अरे जा बाबा जा, तू अपना काम कर, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरा सर दुखने लगता है, मुझे मेरा काम करने दे। ए, काम का काम? अरे मुझे है ना जाके बच्चा तलाश करने का है। बच्चा? तलाश? मैं बच्चा तलाश करने की क्या जरूरत है, चल शादी करते हैं, बच्चा अपने आप पैदा हो जाए। अरे शादी के लिए राल टपकाने वाली,
मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, सेठ केदारनाथ का बच्चा चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है, 2 महीने को उसका बच्चा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने, 2 महीने, फिर 2 महीने। अरे हम कहते दुनिया पर रहम खा, अपने आप पर रहम खा, चल शादी करते हैं, घर बसाते हैं। मगर क्यों कर लूं शादी, मेरी क्या ये शादी की उम्र है? जरा ठीक से जवानी आ तो जाने दे। जवानी 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 है ना, जवानी की गाड़ी बरसों बरसों पहले निकल गई। अरे जाजा, तेरी गाड़ी निकल चुकी है, मेरे आने को तो अभी टाइम है। अभी तो मैं खाली 18 बरस का हूँ। क्या 18 बरस? 18 बरस। माय माय बुक माय में एक दिन भी ज्यादा नहीं, हिसाब लगा ना देख। बचपन में जब गांधी जी ने वो एक मिनट, 18 बरस ना, एक मिनट अभी इसका सॉरी फोड़ देती हूँ। 18 बरस मेरी जिंदगी की हम सफर ज्योति। आशा मत पढ़ना प्लीज, वापस कर मेरी चिट्ठी। ज्योति डियर, मैं अच्छा हूँ, मौसम भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मैं वापस लौटूं और शादी के बंधन में तुम्हें बांध लूं। ज्योति, खत का जवाब देना मत भूलना। द्वारका प्रसाद जी, मीना मेरी इकलौती बेटी है और मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। देखिए दौलत राम जी, मैं अपने बेटे का सौदा नहीं करना चाहता। मुझे हीरे जैसी बहू चाहिए, दहेज से लदा हुआ कंकर नहीं। आपकी बेटी मुझे पसंद है, मेरा बेटा आपको पसंद है, और सबसे बड़ा दहेज यही है। तो आइए हाथ मिलाइए और बात पक्की कर दीजिए। वो तो ठीक है द्वारका प्रसाद जी, लेकिन पहले अपने बेटे से तो पूछ लीजिए। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे खानदान में शादियां बुजुर्गों की पसंद से होती आई हैं, बच्चों की पसंद से नहीं। लेकिन जमाना बदल गया है द्वारका प्रसाद जी। इस घर के 4 दीवारी के बाहर बदला होगा, अंदर तो वही जमाना है। चलती हूँ बापू। और जब तक मैं जिंदा हूँ वही जमाना चलता रहेगा। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये हमारे माली की बेटी है। नमस्ते ज्योति, इनकी बेटी से विजय की शादी की बात मुझे पक्की कर दी है। जाओ आशा को खुशखबरी सुनाओ। नहीं अंकल, आशा घर में नहीं है, लता दीदी से मिलने गई है। आओ। अच्छा, द्वारका प्रसाद जी इजाजत चाहूंगा। क्यों, हाथ मिला के बात पक्की करने का इरादा नहीं है? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल पक्की है। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। मालिक। क्या बात है शंकर, कुछ कहना चाहते हो? मालिक बात यह है कि छोटे मालिक की बात पक्की करने से पहले एक बार उनसे पूछ लेते तो। अभी मैंने दौलत राम को क्या जवाब दिया, सुना नहीं तुमने? वो तो ठीक है मालिक, लेकिन फिर भी एक बार छोटे मालिक से पूछ लेते तो। क्यों मालिक? छोटे मालिक। क्या छोटे मालिक? क्या छोटे मालिक? ज्योति से ब्याह करना चाहते हैं। शंकर। हाँ मालिक, ये बच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, इसलिए सोचा कि मैं। बच्चे प्रेम नहीं कर रहे शंकर, ये तुम्हारी चालाकी का बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, और इसीलिए तुमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत होशियार बनाया है ताकि वो मेरे बेटे को फंसा कर शादी के लिए रजामंद कर ले। हैं? नहीं मालिक। खामोश। मैं तुम जैसे नीच लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, जिसकी थाली का नमक खाओगे उसकी थाली में एक कतरा जहर भी डाल दोगे। नहीं मालिक। आप विजय मेरा इकलौता बेटा है और तुम 2 कौड़ी के नौकर अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। मालिक मालिक, मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इन्हीं जूतियों के काबिल और हमेशा इन्हीं जूतियों में पड़ा रहूंगा। मालिक ये घर मेरे लिए मंदिर समान है। मालिक नाटक बंद करो शंकर, पैर छोड़ो। नहीं मालिक, नहीं। मत जा, नहीं हट जा। मालिक उठो बापू, बापू जिस बेटी की वजह से बाप को ठोकर खानी पड़े उस बेटी का मर जाना ही बेहतर है। बापू मेरी बच्ची। नहीं बापू, बापू अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो हम कहीं और चलते हैं, चलो। Thank you.
बेटे जाने से पहले छोटे मालिक का इंतजार कर लेते। बिल्कुल नहीं, मालिक की इस ठोकर ने हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए और जिनके साथ रिश्ता ही नहीं रहा उनका इंतजार नहीं किया जाता बापू, नहीं किया जाता। चलो चलो बेटे। आंखों में आंसू? मैं जानता हूं बेटे मेरी करीबी ने तेरी खुशियों का रास्ता रोक लिया। अगर आज तू मेरी जगह किसी अमीर के पली होती तो एक बड़े घर की बेटी कहलाती। नहीं बापू, ये अमीर और गरीब की बात नहीं है, ये तो सिर्फ तकदीर की बात है। और इस गरीब बाप से मुझे इज्जत और अभिमान की वो दौलत मिली है जो मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर बाप भी नहीं दे सकता। बेटे हाँ, बाप नहीं बेटे। तो जिंदा है, इसे यहां कौन रख गया? ओह माय गॉड, सी सीरियस, नर्स स्ट्रेचर मंगाओ। यस सर। डॉक्टर साहब। क्या बात है नर्स? रिलीफ कैंप से ये बॉडी गाड़ी में आई है सर, लेकिन ये मरी नहीं है, इसमें जान बाकी है। क्या? यस सर। यस शी इज अलाइव। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर। मेरी बच्ची का कुछ पता चला? वो है ना, देखिए ये सारे लोग ट्रेन के हादसे में जख्मी हुए हैं, आप देख लीजिए इनमें से आपकी बेटी कौन है। मैंने सब जगह देख लिया डॉक्टर साहब, इनमें मेरी बच्ची नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आइए। इस एल्बम में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। ईश्वर करे वो जिंदा हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में हर्ज क्या है, देख लीजिए। नहीं
सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। हौसला रखिए। नहीं डॉक्टर साहब, मरने वालों की एल्बम में मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं है, और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके रजिस्टर में भी उनका नाम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं बेटी जिनका पता नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी को तलाश करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा मैं चलती हूं। बेटी कहां जाओगी तुम? मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी यहां ले आई, अब जहां ले जाएगी चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बेटी अकेली लड़की जात कहां जाओगी, कहां रहोगी? तुम्हारा कोई है? जी नहीं। तुम्हारी बातचीत से पता लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। जी हाँ। इतनी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लड़की होकर मायूसी की बातें करती हो? नहीं बेटी नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो बेटी, ये मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है, तुम यहाँ रह सकती हो, काम कर सकती हो, और चाहो तो नर्सिंग कोर्स भी कर सकती हो। देखो बेटी, वक्त और मेहनत का मरहम बड़े से बड़े जख्म भर दिया करता है। बोलो बेटी क्या कहती हो? हाँ। अरे बेटी ये क्या कर रही हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी यार ब्रेव गर्ल, चलो शाबाश शाबाश। अरे बाबा बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। खैर अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं अपनी आत्मा को मारकर जबान पे जोर देकर कह ही देता हूँ। सीमा अगर तुम अपने डैडी की तिजोरी से 10 लाख रुपए ले आओ तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप की तिजोरी से पैसे चोरी करूँ? क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो, बाप की तिजोरी से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते, और वैसे भी उस पैसे के तो भाग में लिखा होता है बेटी के लिए सुहाग खरीदना, जेवर लाना, डूबते हुए शौहर को बचाना, और फिर जब तुम्हारी और हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पिताजी उससे भी दुगना तुम्हें दहेज में देंगे। तुम उस दहेज का एडवांस या साइनिंग अमाउंट समझकर उसे ले आओ। नहीं अनिल, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ये तुमसे नहीं होगा तो जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। कर्जदारों के हाथों से जलील होकर मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊं। मुझे माफ कर देना, अपने स्वर्गवासी अनिल की गलतियों को माफ कर देना। मैं जा रहा हूं, अगर हो सकेगा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। नहीं अनिल रुक जाओ, अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में हमारा मिलन होगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। मैं अभी आई। लक्ष्मी, लक्ष्मी बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रही हो तुम? हे भगवान, ये तिजोरी किसने खोली? हाँ सारे रुपए गहने कुछ भी नहीं है। ये चिट्ठी? चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? सीमा की। डैडी मैं जा रही हूँ आप दोनों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाने, और इसके लिए आपकी इजाजत के बगैर कुछ रुपये और गहने साथ ले जा रही हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। आपकी बेटी सीमा। सीमा जाने भगवान मुझे मेरे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। उसने दो बेटियां दी, एक तो पहले ही खो गई और अब दूसरी घर छोड़कर चली गई। लगता है मेरी तकदीर में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता, मुझे मौत क्यों नहीं देता? अनिल देखो ना कौन है। गुड मॉर्निंग मैडम। फरमाइए। जी फरमाना क्या है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। तो ये कि मिस्टर अनिल साहब तो जा चुके हैं, अब आप कब जा रही हैं? अनिल जा चुका है। जी हाँ वो चले गए। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हो क्या नहीं सकता मैडम, 2 घंटे पहले हो चुका है।
चलिए मैडम, अब जरा जल्दी से ये कमरा खाली कर दीजिए, हमारे दूसरे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या आप बता सकते हैं अनिल कहाँ मिलेगा? लगता है अब की बार वो आपको धोखा दे गया है ना। जी धोखा? जी हाँ, ये उसका फुल टाइम बिजनेस है। दौलत वाली सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फांसता है और फिर उनका सब माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है, और इस वक्त वो किसी नए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फांस रहा होगा। बेहोश हो गई है। रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे भाई, रोकिए, रुकिए, ड्राइवर गाड़ी चाहिए भगवान के लिए। बाबूजी क्या बात है? बाबूजी एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है, बहुत खून बह गया बेचारी का, कोई अस्पताल ले जाने को मदद नहीं कर रहा है, आप मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान आपके बच्चे बनाए रखेगा। कहाँ है वो? वहाँ, आइए मेरे साथ। चलो आइए बाबूजी, आइए, ये देखिए ये रही। अरे ये तो हमारी सीमा बेटी है। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। ये आपको कहाँ से मिली? ये बात करने का वक्त नहीं बाबूजी, उठाइए अस्पताल ले चलिए, संभाल के बाबूजी। आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। केदारनाथ जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन 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 क्या डॉक्टर? आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? सीमा 5 महीने के गर्भ से है। डॉक्टर नहीं, आपसे जांचने में कोई गलती हुई, प्लीज चेक कर अगेन। नहीं केदारनाथ जी नहीं, मेरी जांच बिल्कुल सही है, आपकी लड़की गर्भ के एडवांस स्टेज से गुजर रही है। फिर क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। एक डॉक्टर के नाते तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ फैमिली फ्रेंड के नाते एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। आप अपनी बेटी को लेकर इस शहर से कहीं बाहर चले जाइए, अच्छा जहाँ उस बच्चे को जन्म दे सके। मैं तो मर जाना चाहती थी माँ, लेकिन इस भागत को मौत भी नहीं आई। मुझे खानदान की इज्जत को बचाने के लिए इस कलम को मिटा देना होगा। बाबूजी ये क्या करने जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए मुझे। ऐसी बेगैरत और माँ बाप के नाम पर थूकने वाली औलाद से नफरत है मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। बाबूजी ये मेरी बच्ची की तस्वीर आपके यहाँ कैसे आई? What nonsense! ये हमारी बेटी है, सीमा की बड़ी बहन। आपकी बेटी? हाँ, आज से 20 साल पहले खो गई थी, लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? बाबूजी भगवान की लीला भी अजीब है, उसने आपकी बेटी मेरी गोद में डाल दी और मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, और जब वो जवान हुई तो कहाँ है वो बाबूजी? वो हाँ बताओ, कुछ तो बताओ। बाबूजी गंगा की गोद से वो मुझे मिली थी और 20 साल बाद जमुना की गोद में हमेशा के लिए खो गई। खो गई कैसे? एक रेल दुर्घटना में वो मर गई बाबूजी, वो मर गई। तकदीर का मजाक भी अजीब है काका। हमारी एक बेटी को भगवान ने तुम्हारे दामन में डाल दिया, तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया,
लेकिन मौत उसे तुम्हारे दामन से छीन कर ले गई। दूसरी को हमने पाला लेकिन वो अपने दामन में पाप और कलंक का दाग लगा कर आ गई। बाबूजी, एक विनती है आपसे, एक बेटी को तो मौत ने छीन लिया और दूसरी जिसकी जान भगवान की कृपा से हमी ने बचाई है उसकी जान के दुश्मन मत बनिए। बस यही प्रार्थना है आपसे। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सहूंगा। तकदीर का हर तमाचा सहा है मैंने, मगर इस कलंक भरे तमाचे को हरगिज नहीं सहूंगा। इस कलंक को मैं इस घर में हरगिज जन्म लेने नहीं दूंगा। राम, अरे राम, लो फिर भीख मांग रहा है, ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार, ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा, जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करते हैं, मेरे कपड़े हैं ना? हाँ, वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना, अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है, मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है, चला जाए कहीं मेरी है। क्या बात करते हैं, फिर भूल गए कपड़े। तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं। नहीं नहीं, अभी अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, जरा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है। आपको यकीन नहीं आता, ये देखिए, कम इन। हाय बॉस। हाय, दिस इज अमेरिका। यस, दिस इज इंडिया। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हैज नॉट बीन एबल टू कम एंड विजिट इंडिया। व्हाई? बिकॉज़ ही इज नॉट फीलिंग वेल, हिज स्टमक इज बैड। ओह, उनके पेट में काफी दर्द है। गिव माय रिगार्ड्स। आई विल सेंड योर रिगार्ड्स टू हिम। ओके, एंड बाय, सी यू। बाय। ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में चांद पर जाने वाला है, सैटेलाइट पर डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार, मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ, क्या? हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार, मेरी चाची नहीं है ये। यस, मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती थी बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी। क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ, ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम है। बेटी की उम्र खाली 2 साल का फर्क है। अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की। 2 साल के बाद ये पैदा हुई है, तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर। यस। अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या? भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं नहीं, जिंदा है। जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है, पहली मरतबा इतना बड़ा केस है। बहुत सारे जेवर होंगे? नहीं, बहुत सारे जेवर है। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर पीतल के थे? यस। है? पहचाना, आप पीतल के?
अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर मारा है क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए? ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कबर से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारा नहीं, मारा नहीं, चलो उठो भागे से। नहीं नहीं सर, एक मिनट बुक ले लो, तो एडवांस कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, तो बाकी का आधा कभी देंगे? दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। उठ उठ तेरी, उठ उठ, चलो चलो जासूस, हटो कोई पागल लगता है, चलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाडकर्णी, हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन, वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हां इंस्पेक्टर साहब, लग गया लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है, वायर कटा फिर भी फोन लग गया। हेलो आशा। ये क्या सुनील, ये कोई वक्त है आने का? तुम जानते हो ना मुझे इंतजार से सख्त नफरत है, मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल हूँ, ये भी तुम जानते हो, फिर इतनी देर क्यों कर दी? देखो आशा, मैं सुबह उठकर मंदिर जाकर जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे पहले भगवान है, उसके बाद भगवान के बनाए हुए इंसान। लेकिन तुम कहीं भगवान की आड़ में मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कैसी बात करती हो, तुम मेरी जिंदगी का पहला पहला प्यार हो आशा, मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। ये लो भगवान का प्रसाद है, मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम पूरी कहां होने दे रहे हो? क्यों, अरे डार्लिंग मैं तो बनाई तुम्हारे लिए हूँ, तुम हुक्म तो करके देखो। इतने दिनों से कह रही हूँ डैडी से मिल लो, डैडी से मिल लो, लेकिन एक तुम हो, बात को टालते ही चले जा रहे हो। बस इतनी सी बात? अरे मैं तुम्हारे डैडी से आज ही क्यों बल्कि अभी मिल लेता हूँ, तुम मुझे अपने डैडी का एड्रेस दो। सच? ये लो। अरे बापरे, क्या हुआ? मेरे भैया आज अमेरिका से आ रहे हैं। अरे सुनो तो, देखो तुम मिलना मत भूलना डैडी से, प्लीज। हाँ मैं चलती हूँ, मैं जरूर मिल लूंगा। अरे डैडी, आशा। अरे आ गए बेटा, आ ऊपर आओ। वाह डैडी। ऐ जीते रहो बेटा, कैसा रहा ट्रिप? वेरी सक्सेसफुल डैडी। ये शंकर का कमरे में ताला लगा हुआ है। हाँ शंकर ज्योति को लेकर जरा गांव गया है। खैर तुम हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। भैया भैया, ए आशा की बच्ची, घर कच्ची पंक्ति है, डंडा सरवर डंडा घटा। छह हफ्ते में कैसे ताड़ की पेल तो लंबी हो गई। भैया मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बिल्ली की तरह मैं क्यों लटका खड़ी हूँ? अरे बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ। हाँ तो ये अभी दे देता हूँ, जब ज्योति आएगी ना तब उसको दूंगा, आने के बाद। वो अब कभी नहीं आएगी भैया। ज्योति नहीं आएगी? नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे शक है कि वो लोग गांव नहीं गए हैं, बल्कि डैडी ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी शादी कहीं और कर सके। डैडी, मुझे पता चला है कि शंकर काका गांव गए नहीं बल्कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है, मगर मैं उन्हें यहां वापस लेकर आऊंगा। यहां क्यों? डैडी मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा, या यूं कहिए कि मुझे कहने का मौका नहीं मिला। मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन नहीं तो क्या, मैं सेठ दौलतराम की बेटी से तुम्हारी शादी की बात पक्की कर चुका हूं। बेटी सुंदर है, सुशील है, ऊंचे घराने की है, दौलत और इज्जत में उनका घराना आसमान को छूता है, और यह सब छोड़ के तुम अपने नौकर की बेटी जो जमीन के खाक के भी बराबर नहीं है उससे शादी करना चाहते हो? बस डैडी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना बता दूं कि मंदिर में हमने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है, और मैं ये वादा निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया की हर चीज को छोड़नी पड़े। तो क्या उस लड़के के लिए तुम अपने पिता को भी छोड़ दोगे? नहीं, पिता को तो नहीं, मगर ज्योति के लिए सेठ द्वारका प्रसाद जी को जरूर छोड़ दूंगा। नहीं विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मजबूर हूं डैडी, क्योंकि ज्योति मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ। फैसला आपको बदलना पड़ेगा।
अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो सिर्फ ज्योति ही होगी। भूखा है, कुछ खाने को दो ना। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे आदमी को भीख मांगते हो? हट। मैं नहीं, हट, भगवान करे तो टायर की तरह फट। माय, भूख लगी है। ओहो, याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माय, ये बाबू भूख लगी है। अरे क्या आदमी है यार ये बाबू, ये 20 साल से जब भी याददाश्त जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता है। कुछ तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस, ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई? परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है, परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी खोपड़ी याद करो, बीच में माय माय। अच्छा फिकर मत कर यार, तू क्या बोलता है मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमकेगा। अपनी तो अपनी जवानी भी नहीं, बचपना चल रहा है 20 साल से। किधर यार, तो मैं अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके। मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया। जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? हाँ। क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया। म्युनिसिपैलिटी से पानी भी नहीं है? नहीं है। तुम म्युनिसिपैलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे चक्कर आ रही, लगता है मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है, चले वहाँ पर। हाँ होटल तो है, चले वहाँ पे। पैसे किधर है, लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपन ने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा, बदले में खाली क्या 2-4 डंडे खाएंगे। तो चल तो सही। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू सेठ का पैसा बोलो नी, साहब का 5 रुपए लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा कीमा कुरमा कलेजी पाया चाप चकरोज बिरयानी बुना कुछ मच्छी बदकड़ी मटमा वटो चा चापनो चिकर उसलपा मिसलपा भजापा बन रहा इडली वाला सांबर दही वड़ा भेलपुरी पानी पूरी गुर्दा। बस बस, क्या भिखारियों की होटल है। एक काम, 2-2 प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? बे मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगा? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटा वाला उधर गिरा है शायद, वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट तो है, कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है, जिंदगी में पहली बार तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, रिपोर्ट। समझा। अरे चंदू सेठ का पैसा बोलो नी, 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ, ले लो ले लो। अरे किधर से ले लो, कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था
उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280 3280 है, तू 3280। आगे कितना होता है? आगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है हवलदार साहब? ये सेठ बेईमान है, मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। हमने बिस्कुट है, अंधा अंधा। अरे अमंदा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था, याद है ना? 30 रुपए खाने का, 70 रुपए वापिस लेने का है, याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिकर काहे को करता है सेठ यार? देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार, है पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार, जरा पैसा दे दे, बोलना। ए सेठ, इसका पैसा दो। यारो पैसा दो। अरे तुम दो ना यार। मैं पैमान है, पैमान है। रिक्शा पकड़ना तो। ए माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़, अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया हूं तुमसे। अरे सेठ, क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई कर दो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 2500 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है, ये लो। मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल, झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के छोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट था। अपना डुप्लीकेट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देने यार। बिस्कुट? दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक सड़ा हुआ है। अच्छा, तो दो देना। हाय, चुप हो जा। शाबाश। चुप हो जा बेटी। बस उस तरफ। अच्छा बेटी, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। शाबाश। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए सिस्टर। जी। जी, मैं अपनी पत्नी और अपनी गर्भवती बेटी के साथ लखनऊ जा रहा था कि अचानक इसे रास्ते में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। नीचे नर्सिंग होम का बोर्ड देखा तो फौरन इसे लेकर यहाँ पर आया। प्लीज आप जरा इसे देख लीजिए। हाँ, देखते हैं। थैंक यू। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है। हाँ। कमाल कर रहे हैं, इन दिनों में सफर थोड़े ही करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देखिए आप नीचे जाके रजिस्टर में नाम पता दर्ज करवा दीजिए, मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा चलो। आपका नाम? कैलाशनाथ। कैलाश। पेशेंट का नाम? रेखा। 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 और उनके पति का नाम? रामकुमार। रामकुमार। देखिए, आप 500 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। 500। अपना पता भी लिख दीजिए। बहुत बेहतर, ये लीजिए। ठीक है। क्या हुआ सिस्टर? लड़का हुआ है? सुना आपने, लड़का हुआ है? सुना, इधर आओ। देखो लक्ष्मी, मैं इस वक्त तुमसे ऐसी मांग करने जा रहा हूं जिसके लिए शायद तुम तैयार नहीं होगी। सीमा का ये नाजायज बच्चा मेरे नाम और मेरे खानदान पर बेइज्जती का दाग है, और ये बच्चा मेरे घर में हरगिज नहीं आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि इस कलम को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। जब सीमा होश में आएगी तो उसे कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये बात मुझसे हरगिज नहीं होगा।
देखो लक्ष्मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जाओ जाओ, वक्त बहुत कम है, जाओ जाओ। माँ, मेरा बच्चा। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा बच्चा कैसा है? वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटी। नहीं, नहीं। हाँ बेटी, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। उसने हमें बदनामी से बचा लिया। चल बेटी, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। यहाँ रुकने से दुख और बढ़ेगा। बच्चा तो खो दिया, इज्जत भी खो देंगे। चल घर चल बेटी, चल चल बेटी। सिस्टर सिस्टर, क्या हुआ? वो 6 नंबर की पेशेंट अपने कमरे में नहीं है। क्या? और उसके माँ बाप? वो भी नहीं है, बच्चा छोड़ के चले गए। शायद तू मेरा रिश्तेदार लगता है। देखना, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। क्यों ना आज से हम दोनों साथ रहे, दोनों की तन्हाई खत्म हो जाएगी। तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ, तेरी माँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस दुनिया में एक आदमी के लिए यह कदम उठाना बहुत आसान है, मगर एक लड़की जात के लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक कुंवारी लड़की किसी बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और तुमसे कुछ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इनकार तो तब करेगा जब मैं शादी करना चाहूंगी। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मैं गैर शादीशुदा हूं और ये औलाद मेरी नहीं है। दुनिया इतनी आसानी से जीने नहीं देगी बेटी। जहां जाओगी एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर क्या जवाब दोगी? यही कि ट्रेन के एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बाप का फर्ज निभाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे राम, ए राम, अरे माय बुक यार। अरे तू किधर से? अरे यार, तू कहाँ गायब हो जाता है? मैं कौन कौन सा धंधा ढूंढ के लाता हूँ और तू सड़क पे भीख मांगना शुरू कर देता। अरे लानत भेज, मैं नहीं करता धंधा वंदा, और लानत है तेरे ऊपर और लानत है मेरे ऊपर। 20 साल से मैं एक लड़की नहीं ढूंढ सके, भीख मांगने की नौबत आ गई। मालूम है मैं कबूतर के चने चुरा के लाया हूँ? कितने कबूतर मुझे मारने दौड़े थे। जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। अरे नहीं यार, खुदकुशी का नहीं, अब तो ऐश करने का, मुर्गी उड़ाने का टाइम आ गया है। ये देख, बस करना कितना। नहीं, नहीं, क्या धंधा ढूंढ के लाया हूँ। अखबार में खबर छपी है, शहर में गुंडों का राज, गुंडा टैक्स से दुकानदार परेशान। ये गुंडा टैक्स मतलब? मतलब हफ्ता हफ्ता, आजकल लीडरी के बाद सबसे सॉलिड धंधा ये गुंडा हफ्ता।
अच्छा मतलब तू अभी गुंडा बनेगा? नहीं नहीं, तू गुंडा बनेगा भाई। मैं? हाँ। तेरा दिमाग खराब है, मुझे को गुंडा समझेगा? मुझे तो छोटे छोटे आते जाते बच्चे मारते रहते, कल देखा नहीं एक बच्चा जिसकी नाक बहरी थी ऊपर कोच के चला गया। नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं करने वाला, तू करना बाबा। अरे यार आधा काम तो मैंने कर दिया है। जब मैंने ये अखबार पढ़ा ना तो एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैं बाजार चला गया, एक एक दुकानदार एक एक खोमचे वाले को रंगा गुंडा के नाम की दहशत फैला दी। मैं बोला ये खतरनाक गुंडा पटना पूना दिल्ली में हजारों खून करके बंबई आ रहा है। ये रंगा गुंडा कौन है? तू? अबे पागल हो गया तू? मैं और रंगा गुंडा, मैं क्या हुले से तेरे को गुंडा दिखता हूँ क्या? अरे यार वो इंतजाम भी मैंने कर दिया है भाई। क्या किया? वो अपना कांति भाई है ना मेकअप मैन, वो टकला। हाँ, उसको मैंने एक विग और एक करारी मूछ लाने को कहा। क्या के लिए? अरे जब विग लगेगी और करारी मूछ लगेगी तो लगेगा रंगा गुंडा। बलराम भाई आ लो तुम्हारी विग और मूछ और निकालो भाड़ा। अरे कहाँ से देंगे भाड़ा, अभी तो काम शुरू किया नहीं। आज शुरू करेंगे, कल बंद है, परसों तुमको दे देंगे पैसे तीन दिन के। अच्छा देखो, परसों सुबह मैं आऊंगा और भाड़ा नहीं मिला तो विग और मुँह छीन कर ले जाऊंगा। अरे ले जाना, क्यों कांति भाई तुमने मारा ऊपर विश्वास नहीं किया? हाँ विश्वास है बापू। तो फिर जाओ यार। अबे, अबे, हद हो गई। ये मुझसे नहीं होगा अकेले यार। अरे होगा यार, क्या ये मुझसे नहीं होगा यार, देख मैं फंस जाऊंगा यार। प्लीज सिंपल काम है, इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। वो देखो वो लड़का लड़की है ना ऊपर वाला, एक चांस फिर देख। इन पे मैंने पूरा सीन जमा दिया है। तो ये क्या करेंगे? ये आके पिटेंगे, करेंगे, वो सब जमा दिया। तुम इसको पकड़ो पहले, इनको समझा के आता हूं, फिर तुमको समझाता हूं यार। अरे ये प्रैक्टिस करो। अरे अरे मगर आप दोनों को फिल्मों में काम करने का शौक है? ये सर एक चांस दे दीजिए। अरे एक चांस क्या, अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन, सबको मैंने चांस दिलवाया। नो प्रॉब्लम। अच्छा परसों मैं आपका एक सीन का ट्रायल लूंगा। हाँ। बाजार का सीन है। हाँ। आपको एक गुंडे ने 7 बार मारकर जख्मी कर दिया। हाँ। और आप तड़पते हुए हांफते हुए दुकानदार के पास आकर गिर जाते हैं और आप इनकी बीवी बनकर आती हैं और चीखे मारेंगे कि इसको क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया, ये मार डाला, अरे मार डाला मेरे पति, अरे रंगा ने मारा, रंगा दादा याद करो। एक बार नहीं 10 बार किया। 10 बार। अरे वो वार नहीं, चाकू वाले वार। हाय हाय हाय, ये इन्हें क्या हो गया? देखिए ना भाई साहब, एक 10 रुपए के लिए इनकी जान का दुश्मन बन गया। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मगर बात क्या हुई? अरे बात क्या बताऊं, हफ्ता वसूल करने आया था रंगा दादा। हाँ? मैंने 10 रुपए कम दे दिए उसको, उसने चाकू से 10-10 बार किए मुझे। 10 रुपए कम दिए बस? अरे भाई 10 रुपए तैयार रखो, 10 रुपए तैयार रखो, वो आने ही वाला। देखिए ना इन्हें कितनी बार समझाया कि उसे हफ्ता दे दिया करो, मगर ये है कि मानते ही नहीं। मान जाएगा, अरे मेरी शामत आई थी कि मैं उससे उलझ पड़ा। अरे वो रहा। अरे पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे निकालो बापू। तो अभी तक जिंदा है? 10 बार मारे तू मरा नहीं? दादा 3 बार और बाकी है मरा। अरे कोई तो मुझे बचाओ। जो तेरे को बचाने की कोशिश करेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं आ गया। क्या बोले? हाँ बराबर। अरे नहीं नहीं रंगा दादा, इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे माफी मांगो ना। इससे माफी मांगे? माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे रंगा। यार तू मुझसे बात मत कर रंगा। आज रात के बाद कभी इस मोहल्ले में नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बकरियों को खिला दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। सुनो एक दुकान वालों, आज से इस मोहल्ले में रंगा टैक्स चलेगा। क्या रंगा टैक्स? हाँ, जैसे इनकम टैक्स, वेल टैक्स, वाटर टैक्स, सिटी टैक्स, उसी तरह रंगा टैक्स। लेकिन रंगा खुद वसूल करने नहीं आएगा, उसका ये आदमी आएगा, उसके हाथ में हर रोज 500 रुपए रख देना। रंगा दादा ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तेरी जिंदगी भी कम हो सकती है। निकालता ये लीजिए। तू भी निकाल। ये लो दादा। ओए निकालो। ये लो दादा। और तू भी निकाल। ओए बोकड़ू तू भी निकाल। और तू क्या कर रहा है? चल अपना काम कर, चल जाता हूं दादा। ओए और निकालो।
मरिए तो कमाल है आजा, बताओ इतना बड़ा गुंडा मुझसे डर गया? अरे यार तू मेरे साथ रह, तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। फिर शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो क्या हुआ? अरे मर गए। अरे वो तेरा कांति भाई विगवाल आ रहा है विग और मूछ मांगने के लिए। अरे उसको पकड़ने तो बाजार में बेइज्जत कर देगा, पिटाई हो जाएगी मेरी। अच्छा ये पकड़, ये पकड़, पकड़ उसको, जल्दी कर साले को। कांति भाई, अरे कांति भाई गया खड्डे में। बस राम, राम कहाँ है? कहाँ गई मेरी विग, कहाँ गई मेरी मूछ, तीन दिन का भाड़ा, मेरी शूटिंग रुकी हुई है। भैया एक मिनट जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे क्या धीरे बोलू, एक दिन की मोहलत और दे दो सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वो रही मेरी विग। अरे राम ये मेरी विग और मूछ निकाल और तीन दिन का भाड़ा दे। रंगा दादा से पैसे मांगे। ये रंगा दादा, अबे तू यहाँ रंगा दादा बना हुआ? तेरा बाप भी कभी रंगा दादा बना है? चूहे से डरने वाले भूखे भिखारी, निकाल तुम, निकाल। दादा नहीं हो, दादा नहीं हो। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तुम हमको डराने के लिए गुंडागर्दी करते हो? तो अभी तुम लोग मेरे डराने से डर गए तो मैंने तुम लोग डराना शुरू कर दिया। मैं जब शुरू में तकल आप लोग मेरे दो दो टप्पू मारते ना, तुम्हें सुधर गया होता। बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी बेटी, चिंता मत करो, तुम कल ही से ड्यूटी पर आ जाओ। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखा दूं। थैंक यू डॉक्टर। मुंह खोलिए। अब ठीक लग रहा है ना? बहुत मेहनत से पढ़ना बेटे, पढ़ लिख कर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। मैं बड़ा आदमी बनकर क्या करूंगा मालूम है? क्या करोगे? तुम्हारी सेवा करूंगा। मैं रो कहां रही हूं? चलो तुम्हारे स्कूल का वक्त हो रहा है ना, चलो। हेलो। हाँ केदारनाथ जी, कैसे याद किया, फरमाइए। अजी साहब लड़की वाले हैं, फरमाया नहीं करते, अर्ज किया करते हैं। अर्ज यह है कि अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लड़का किसी और लड़की से शादी करना चाहता है? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है केदारनाथ जी, वो जरा शादी से दूर भाग रहा है, शर्मिला है ना, कह रहा है वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे राजी करके इसी हफ्ते आपको बता दूंगा। अच्छा बाय बाय। डैडी आप खामखा लोगों को झूठी उम्मीद और दिलासा दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया की हर चीज बदल सकती है मगर मेरा इरादा नहीं बदल सकता। देखो बेटे विजय, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे बढ़कर मेरा तजुर्बा है। क्या ज्योति इतने बरसों बाद तुम्हारे इंतजार में अब तक कुंवारी बैठी होगी? नहीं बेटे, उसके आंगन में दो चार नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो जरूर खेल रहा होगा। नहीं डैडी ये नामुमकिन है। अगर आप ज्योति को जानते तो कभी ऐसी बात ना करते, मेरी तरह वो भी अपना वादा निभा रही होगी, आखिरी सांस तक वो मेरा इंतजार करेगी। डैडी बेहतर यही होगा आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अरे चेतन बेटे तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो भी कहना था बेटे वो घर पर भी तो कह सकते थे। नहीं बहुत अर्जेंट है। अच्छा ठीक है तो बोलो। माँ कल स्कूल में इनाम देने वाले हैं, सबके माँ बाप आ रहे हैं, तुमको भी चलना होगा। नहीं बेटे मैं कहाँ फंक्शन में आती जाती हूँ। तुम्हें मेरे लिए चलना ही होगा।
टीचर ने कहा है तुम अपनी माँ को जरूर लाना, तुम नहीं आऊंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन चेतन मैं तो चलोगी ना माँ? बोलो चलोगी ना? अच्छा बाबा चलोगी ना, लेकिन पहले काम तो छोड़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कस्तूरबा विद्या मंदिर का आज वार्षिक दिन यानी एनुअल डे है। हर साल की तरह आज हम अपने स्टूडेंट को उनकी कामयाबी पर अपने चीफ गेस्टों के हाथों इनाम प्रदान करते रहे हैं। तो आज के वो महान चीफ गेस्ट जो हमारे बच्चों को इनाम तकसीम करेंगे, श्री विजय कुमार। तो आइए सबसे पहले मैं उस तालिबे इल्म को आवाज देता हूं जिसने इस वर्ष के बेहतरीन विद्यार्थी का पुरस्कार पाया है, मास्टर सुशील कुमार। बधाई हो बेटे। थैंक यू सर। और अब मैं उस बच्चे का नाम पुकार रहा हूं जिसने सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि खेल कूद गीत संगीत हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। उसके इस नुमाया कामयाबी के लिए खास इनाम दिया जा रहा है। वो बेहतरीन स्टूडेंट है चेतन कुमार। चलो ना मम्मी। नहीं बेटे तुम जाओ। चलो ना। तुम जाओ। अच्छा नमस्ते। ये लो। मैं नहीं लूंगा इनाम। क्यों? तुम इसके हकदार हो? नहीं, इस इनाम के हकदार मेरी मम्मी है। सारी मेहनत उनकी है। ये इनाम मेरी मम्मी को दी थी। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ उनको। मम्मी आओ ना। मम्मी आओ ना। मम्मी यहाँ आओ ना। मम्मी इस इनाम के हकदार तुम ही हो, ये इनाम तुम ही लोगी। आओ ना मम्मी। मैं चेतन की मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। गिव हर ए बिग हैंड। बैठिए। चेतन बेटे तुम ये खाना अंदर ले जाकर खा लो। अच्छा मम्मी। शायद आप मुझे पहचान तो ना पा रही होंगी। मेरा नाम विजय है। विजय द्वारका प्रसाद। भावनाओं की धारा में बहकर इंसान कितना बेवकूफ बन जाता है। डैडी सुबह शाम कहा करते थे भूल जाओ उसे, वो तुम्हें भूल गई होगी, शादी भी कर ली होगी। मैं हमेशा समझता रहा मेरी ज्योति सारी उम्र मेरा इंतजार करेगी। मेरी भूल थी वो।
मैं अमेरिका गया, तुमने घर छोड़ दिया, ब्याह रचा दिया, चुप क्यों? जवाब तो, धोखेबाज, बेवफा, बेबरापत औरत जवाब दे। देखिए, चिल्लाइए मत, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, और मेरा बेटा अंदर बैठकर खाना खा रहा है, वो सुनेगा तो क्या सोचेगा? ऐसी बातें करके मुझे मेरे बेटे की नजरों में गिराने की कोशिश मत कीजिए। I'm sorry. Really, I'm very, very sorry. सुनिए, आपकी अंगूठी, मुझे माफ कर दे, मैं कल रात घर नहीं आया और ना ही को खबर दी। मैं कल ज्योति से मिला था तो वो एक बच्चे की मां बन चुकी है। डैडी, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। देखो बेटे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज उसने तुझे ज्योति से मिलवाकर तुझे विश्वास दिलाया कि अब वो ज्योति तेरे जीवन की ज्योत नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी दूसरे की हो चुकी है। चलो, अच्छा हुआ तेरा भ्रम टूट गया, वरना पता नहीं कब तक तू उसका इंतजार करता रहता। डैडी, मैंने जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब आपकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ ज्योति, मैं एक अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसीलिए तोहफा सेठ केदारनाथ की बेटी सीमा को दे देना, उसकी शादी है। और बता देना कि केस बहुत जरूरी था, वरना जरूर पहुंचता, और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। डॉक्टर श्रीवास्तव की तरफ से तोहफा है, शादी मुबारक हो बहन। थैंक यू। भगवान तुम्हारा सुहाग सदा सलामत रखे। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ज्योति, बेटी तुम? नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी, मुद्दत हो गई तुम्हें देखे हुए। ओ नर्स, ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों? पता नहीं, भगवान खैर करे, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। इस बाप की एक फरमाइश पूरी करोगी? हुकुम कीजिए बाबूजी। बहुत अरसा हुआ तुम्हारा गाना नहीं सुना। ओ आज गाकर उस महफिल को जगमगा दो बेटी। क्या बात है द्वारका प्रसाद जी, खैरियत? कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, गड़बड़ कैसी, लेकिन आप इतने घबराए क्यों हैं? मैं घबराया हुआ? जी नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं ये ज्योति बिल्कुल मेरी बेटी समान है। नमस्ते। भगवान ने इसके गले में ऐसा सुर भरा है कि सुनकर एक बार पत्थर भी हिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों तभी से यही बातें कर रहे थे? हाँ, और नहीं तो क्या, आप क्या समझे? मैं बड़ा अच्छा ख्याल है, गाओ बेटी गाओ।
अरे ज्योति दीदी, तुम आशा कहाँ थे इतने दिनों तक? कोई सवाल नहीं, पहले से गीत गा लेने दो, फिर जी भर के सवाल पूछ लेना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है डैडी, चलो ना। जाओ बेटे गाओ। क्या सोच रहे दीदी, चलो ना आओ। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपके सामने हमारी ज्योति दीदी एक बड़ा ही प्यारा गीत पेश करेंगी। गिव हर अ बिग हैंड। देखो गुलों के लब पे हंसी है, भीगा है मौसम कभी अखिली है, भीगी पलक खुशी का दिल ये क्यों है बोली में हो, तुम जो मिले तो आज हम खुशी लंच टाइम में खाना खा लेना, और हाँ ज्यादा शरारत मत करना। आइए ना, लगता है तुम्हारी बस आ गई, चलो चलो जल्दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना।
ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा है। फरमाइए कैसे आना हुआ? बेटी, कल रात तुम्हें अचानक देखकर हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे, मगर एहसान तुम्हारा कि तुमने वहां ऐसी वैसी कोई बात नहीं की और ना ही किसी पर यह जाहिर होने दिया कि तुम हमारी बेटी को जानती हो। बेटी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए हम तुमसे अपनी बेटी के जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं। भगवान के लिए उसका राज किसी पर जाहिर मत होने देना। और ये रख लो बेटी। ये क्या है? ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, लेकिन इस तरह की रिश्वत देकर मेरे गरीब और अनाथ होने का मजाक मत उड़ाइए। लेकिन और अभी आपने कहा कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो इस रिश्ते से आपकी बेटी भी मेरी बहन की तरह हुई, और मैं अपनी बहन को दुनिया में बदनाम होने नहीं दूंगी, उसका घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहां से। बेटी, एक बात पूछो, उस बच्चे का क्या हुआ? कौन से बच्चे का? कहीं वो बच्चा तो नहीं जिसे आपकी बेटी ने जन्म दिया था और जिसे आप लोग आधी रात की खामोशी में चुपचाप छोड़कर भाग गए थे, और आज अचानक उस बच्चे की याद कैसे आ गई? हम उस बच्चे को छोड़कर तो आए, मगर उसे आज तक भुला न सके। बस इतना बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। अगर आपको वो बच्चा मिल जाए तो क्या करेंगे आप? उसे अपना लेंगे? उसे सीने से लगाकर दुनिया के सामने जाकर क्या आप इस बात का ऐलान कर सकेंगे कि यह बच्चा यतीम लावारिस नहीं, आपका अपना खून है, आपका नवासा है? कह सकेंगे इस बात को दुनिया से? बोलिए, जवाब दीजिए। वो तो हम नहीं कर सकेंगे, पर रुपये पैसों से उसकी जरूर मदद करेंगे। दुनिया का सारा सुख उसके कदमों में डाल देंगे। पैसे दे देंगे? वाह, आप पैसे वालों की दुनिया में क्या हर चीज पैसों से मिल जाती है? पैसे के बल पर पैदा होने वाले मासूम बच्चे को फिकवा देते हैं, फिर पैसे के बल पर उसी बच्चे को सुख खरीद कर देना चाहते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि पहले किसी का खून कर दो और उसके बाद उसी के लिए रेशमी कफन खरीद कर ले आओ। हम गुनहगार हैं, पापी हैं, इसीलिए पहले हमने अपनी बड़ी बेटी को, उसके बाद उस मासूम बच्चे को गवा दिया। मगर बेटी, सिर्फ इतना बता दो कि वो बच्चा कहाँ है? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम। जिस बच्चे की आप मुझे कसम दे रही हैं, वही आपकी बेटी का बच्चा है। क्या? जी हाँ, जो बच्चा अभी अभी यहां से गया वही आपका नवासा है। देखिए, वो बच्चा मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी हर खुशी हर सुख उस पर कुर्बान करके उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं उसकी मां नहीं हूं। बस आपने याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं, खैर, अगर आप दोनों के दिल में उस मासूम के लिए जरा भी हमदर्दी है तो आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि मैं उसकी मां नहीं हूं। फिर भी अगर आप उसे मुझसे छीनना चाहेंगे तो याद रखिए, आप लोग उसे अपना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो उसकी सगी मां है उसे बेटा कह नहीं सकेगी, और अगर कहेगी तो उसका अपना घर उजड़ जाएगा जो बड़ी मुश्किल से कल ही बसा है। अगर आप मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बेटी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। बस बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते विजय भाई। नमस्कार। गाड़ी है आपके पास? जी है। देसी या विदेशी? जी इम्पोर्टेड है। क्यों? स्विट्जरलैंड से लिए या दुबई से लिए? अंदर चलिए। थैंक यू जी। अरे आओ आओ बेटे, आओ। प्रणाम। अरे जीते रहो बेटे, आओ बैठो बैठो। थैंक यू। कहो कैसे हो? जी अच्छा हूँ। नहीं, ये झूठ है। मैं सुशील को अच्छी तरह जानती हूँ। आशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो शराफत की झूठी एक्टिंग करके भोली भाली लड़कियों के दिल में अपना घर बना लेता है और फिर उनकी इज्जत से खेलता है। यही उसका असली रूप है।
नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतने दिनों से सुशील के साथ सैर करने घूमने आती जाती रही, लेकिन आज तक उसने मेरे जिस्म को छुआ तक नहीं। फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि वो बुरा लड़का है? नहीं भाभी नहीं, आज के जमाने में इससे बड़ा शराफत का सबूत और क्या हो सकता है? आशा, ये सब नाटक है। प्लीज भाभी, बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी की खुशियों के रास्ते में रुकावट ना बने। सुशील आपकी नजरों में बुरा होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो एक फरिश्ता सिफत इंसान है। आशा, पीवी जी, क्या है? आपका फोन है। हेलो। हेलो सीमा डार्लिंग, कैसी हैं आप? पहचाना हमें? फोन क्यों किया यहाँ पर? बस ऐसे ही, तुम्हारी याद आ गई। और फिर याद आएगी भी क्यों नहीं, तुम तो मेरा पहला पहला प्यार हो, जिसका मजा तुम भी ले चुकी हो और मैं भी। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, बंद कर देता हूँ, लेकिन तुम आज शाम 4 बजे उसी गार्डन में आना जहाँ हम पहली बार मिले थे। किस लिए? ये सब तो मिलने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, एक बात जरा अपने दिमाग की डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम खुद ही पछताओगे, क्योंकि तुम मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। ओके, बाय डार्लिंग। आज मुझे ना तुम चाहिए और ना तुम्हारी दौलत, मुझे सिर्फ आशा और उसकी करोड़ों की जायदाद चाहिए। लेकिन बीच में मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरे और आशा के बीच में रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को ले जाकर शर्मा नर्सिंग होम के सामने खड़ा कर दूंगा, जहाँ के स्टाफ का एक एक आदमी गवाही देगा कि तुमने वहां एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद तुम और तुम्हारे सालिम माँ बाप उस मासूम को वहीं छोड़कर चले गए। जिसे मुट्ठी में रखता हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी भी रखता हूँ। क्या है? नारियल वाला। अबे नारियल वाले का सर फोड़ेंगे? वो लड़की। लड़की? हाँ लड़की है, क्या करना है लड़की का? अबे ये सेठ केदारनाथ की लड़की लगती है। सेठ केदार? अरे यार ये कैसे सेठ केदारनाथ की लड़की हो सकती नहीं लगती? सेठ जी ने क्या कहा था, उनकी बेटी भी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वही है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने क्या कहा था? क्या? वो छोटी सी बच्ची पानी में बह गई और ये बरसों तक पानी में बहते 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 बड़ी हो गई और बड़े होने के बाद किनारे आके लग गई। ले चलते हैं यार। ये? अरे यार तूने पहली बार अक्कल की बात की, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ले चले। लेकिन भाई साहब मैं कई बार डंडे खा चुका हूँ पुलिस के, अब की बार अगर फिर पिटवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसके बाद मैंने डंडे पिटवाए ना तो ये धंधा छोड़ देंगे। बस चल तेरे पैर पड़ता हूँ। मगर तू अपने दिल से पूछ, ये है ना सेठ केदारनाथ की बेटी? मैं पूछता हूँ। अरे दिल इधर उधर कहाँ पूछ रहा है? हाँ इधर है। है ना? तो ले चले। लगता तो है। ले चले। मगर कैसे? सुन। वाह! आजा। बेटी चलो उठो उठो। Please don't disturb me. कम कम कम। अरे अरे भाई साहब ये पता बता दीजिए। वो सामने वाला मकान है। अच्छा थैंक यू। वेलकम। सीमा बिटिया। अच्छा वहाँ आप मिल गई। बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढकर आप तक पहुंची हूँ। आपने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन बात क्या है? जिस आदमी ने मुझे जाल में फंसाया था, आज वह मेरे पति की बहन से शादी करके उसके पैसे पर कब्जा पाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि मैंने उसके बच्चे को शर्मा नर्सिंग होम में जन्म दिया था। असलियत सिर्फ आपको मालूम है। अगर मैंने सचमुच एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे डर है कि वो मेरी जबान बंद करने के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। आपके पास कहाँ है मेरा बेटा? स्कूल गया है, अभी आने वाला है। ज्योति बेटी,
कहाँ थी बेटी तू? आ मेरे पास सा बेटे, मेरे गले लग जा मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बच्चा आ गया, उठा ले। मम्मी मम्मी, वाह रे भगवान, क्या लीला है तेरी, बिछड़ेवों को एक साथ मिला दिया तूने, मुझे मेरी गुड़िया से मिला दिया और सगी बहनों को अजनबियों की तरह मिला दिया। सगी बहने? हाँ सीमा मैम साहब, आप दोनों एक ही माँ के दिल के टुकड़े हो, एक ही बाप का खून हो, सगी बहने हो। मेरी, ये मेरी बहन? हाँ बेटे, जब तू छोटी सी थी मुझे गंगा के किनारे पे मिली थी, तेरी याद का जख्म तेरे माँ बाप के दिल से अभी तक नहीं मिटा है। दीदी, सीमा, दीदी। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी सीन है। कौन हो तुम? दीदी दीदी, ये वही कमीना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, मैं वही कमीना हूँ। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कमीनेपन का ऐलान करने आया हूँ। चेतन चेतन, जिसका के मैं बाप हूँ, ये सगी माँ है और आप सौतेली माँ है, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार, जो तुमने चेतन को हाथ भी लगाया तो। हाथ लगाया तो? अरे अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस मासूम के कौले कौले शरीर में ऐसे गोलियां ठोक दूंगा जैसे लोग दीवार में किले ठोक देते हैं। भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ मामूली शर्तें हैं। जब तक आशा के साथ मेरी शादी नहीं हो जाती तुम मेरे कब्जे में रहोगी। अपनी जबान खामोश रखना, वरना तुम जानती हो मैं बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। अगर तुम खामोश रही और आशा के साथ मेरी शादी होगी तो इन दोनों को मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ओके, चलो सौतेली माँ। अभी छोड़ दे मेरी बेटी को। हेलनी सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आइए। केदारनाथ जी, आइए 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 आइए। ये देखिए, आपने कहा था ना आपकी बच्ची गुम हुए 18 साल हो गए, तो हम लोग आपकी मरता बड़ी बच्ची लेकर आए। ये आपका खून, आपके कलेजे का टुकड़ा उड़ के सीने से लगा लीजिए। अरे पर इसको कहां से उठा लाए हो? जूहू बीच के किनारे रेत पे पड़ी हुई थी, हम इसको उठा कर ले आए। ये वही लड़की है जो बचपन में पानी में बह गई थी और 18 साल के बाद जवानी में समंदर के किनारे मिली। हमने इसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, उठा कर ले आए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। गुर्गा आएगा? अच्छा, इनाम के पैसे गुर्गा के पास रखे? हाँ, चोरी हो जाते होंगे। ये तो गुस्से में जवाब दे रहा था, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ क्या है, कोई भी लड़की उठा लाते हो बोलते हो मेरी बेटी है। अरे क्यों गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हो सेठ, ऊपर वाले से डरो? पहले हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर आते थे तो तुम कहते थे तुम्हारी बच्ची नहीं है, आज इतनी बड़ी उठा कर लाए तो कहते तो ये भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। क्या केस कर देंगे? जाओ भाई जाओ, अपना कोई काम करो, चलो। अरे कैसे जाएं, 18 साल हो गए सिर्फ आपकी लड़की तलाश करते करते, दूसरा कोई धंधा भी नहीं किया। ये तो भगवान भला करे इस राम का, दिन में 2-4 बार जाकर ये भीख मांग कर रूखी सूखी ले आता है, वरना हम तो कब के भूखे मर गए होते। ए, कौन भीख मांग के लाता है? मैं क्या भिखारी हूँ? अरे छोड़ यार, तेरे को याद क्या? याद नहीं, मैं कोई भिखारी हूँ क्या? अमरनाथ कभी भीख का नाम लिया तो मैं इज्जतदार इंसान हूँ, बहुत इज्जतदार। देखिए सेठ जी, आज को मिला के 18 साल का हिसाब कर दीजिए, ताकि हम कोई दूसरा धंधा भी कर सके। अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजी मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये है? अरे ये बेटी बोल दो यार, नहीं है, नहीं है। अब तो जवान लड़कियां लाने लगे, कोई हम पर केस कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे फिर तुम दोनों, तुम दोनों मेरी कुंडली में क्यों फंसे हुए हो? अरे तुम फंसे हो यार, हम कहाँ फंसे हुए? मेरा जीना तुम दोनों ने हराम कर दिया है। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को भगा के ले जाते थे, अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो। क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1-2 लाख बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ, तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एक भी नहीं,
अरे अरे वो तो खड़े खड़े फांसी देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले क्या नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जहर ला दे उसको। अरे चौकीदार गुरखा, अरे छोड़, चल बेटी तो। आपकी बेटी शांता जिंदा है क्या? जी हाँ। हमारी बेटी जिंदा जी? पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है, और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं बुला सकती डैडी, क्योंकि क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी। मैं समझ गई बेटी, समझ गई। रो नहीं, रो नहीं। सुना तुम लोगों ने, एक कमीना इंसान मेरी बेटी को उठा कर ले गया है, उस बेटी को जिसे पिछले 18 साल से तुम लोग तलाश कर रहे हो, और आज वो मिली है, वो भी ऐसे वक्त जब। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज ही तो हमारी जासूसी का इम्तिहान है, ऐसे दरिंदों परिंदों को ढूंढ निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी और हमारी जिंदगी की 20 साल दोनों बर्बाद किए हैं। हमने अगर उसकी शक्ल ने बिगाड़ दी, और इतनी ना बिगाड़ दी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई बिगड़ी हुई शक्ल वाला ना हो, तो हम दोनों का नाम राम और बलराम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। चलो सेठ जी, तो तेरे याद है ना, जो हम लोग दिन क्या रामू डियर, तू भी आ गई। हमका देख के थोड़ा मुंह का है बिगड़ जाते हैं। अरे कौन मुंह टेढ़ा करता है, तेरा नाटक कंपनी में काम करती, कपड़ा कहां से मार के लाई? भाड़े पे लिया है। अच्छा है ना, रोज भाड़े पे कपड़ा लाती, कभी पैंट शर्ट लाती, कभी स्कर्ट लाती, कहां से लाती है तू? अभी हम लोग के पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं सेठ जी की बच्ची की जिंदगी बचाने। सेठ जी की बच्ची, हम भी चले तोरे साथ? तू आगे का पापड़ बेलेगी, हुआ बहुत खतरा है। खतरा है? अरे तोरे लिए खतरे को पतरे की तरह मोड़ देंगे, चले। सच? तोरी कसम। चल। एक मिनट, वहां खतरे का काम टल गया, उसके बाद उसके बाद जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, करेंगे शादी। नमस्ते बाबूजी। अरे सुशील बेटे, आओ बैठो, कैसे हो? जी बस आपके चरणों की धूल की कृपा है, अच्छा हूँ। नमस्ते विजय बाबू। नमस्ते भैया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आओ। जी वो हम जरा जल्दी में हैं। ये हमसे क्या मतलब? ओ तो ये बात है, कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? जी वो मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आशा को भी साथ में ले जाऊं। हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, रात का खाना तुम हमारे साथ खा रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा। चले, ठहरो, तुम आशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आशा इस घर की बेटी है, इस घर की इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत को खुलेआम नहीं लूटने दूंगी। कैसी बातें कर रहे हो? देखिए ना डैडी, भाभी हमेशा इस सुशील के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है, मेरा इनसे मिलना भाभी को एक आंख नहीं भाता। जब मैं कह रही हूँ तो तुम इसके साथ नहीं जाओगी। सीमा क्या हो गया तुम्हें? इन दोनों की शादी होने वाली है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना ही इन दोनों की शादी होगी, और ना ही आशा अनिल के साथ बाहर जाएगी। अनिल? अनिल? अनिल कौन? क्या हो रहा है तुम्हें? किस अनिल की बात कर रही हो तुम? ये धोखेबाज, ये फरेबी, ये लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला, इसका असली नाम अनिल है। अमीर घरानों की लड़कियों को फंसाना इसका पुराना पेशा है, और आज ये आशा की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा है, और मेरी जबान बंद रखने के लिए इसने ज्योति और चेतन को अगवा कर लिया। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। साथ चल, वरना पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। चल, चल। ओ, सीमा। छोड़ो। भैया। कमीने। बाबू, डैडी। विजय, फौरन फोन करके डॉक्टर को बुला। जी। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। ज्योति,
ज्योति मेरी बड़ी बहन है। क्या? वो पवित्र है, पापिन मैं हूँ। मैंने आपसे अपना पाप छुपाया, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी। क्या करिए तो? मैं शादी से पहले अनिल के बच्चे की माँ थी। चेतन ज्योति का नहीं, मेरा बेटा है। ज्योति ज्योति कुंवारी है। मैं सच कह रही हूँ, ज्योति ने मेरे बच्चे के लिए कुर्बानी दी और मैंने अपने माता पिता के कहने पे तुमसे शादी की। तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं सीमा, ज्योति को अपना लो। उसे 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 अपनी धर्म पत्नी। ये वही बदमाश है, मेरे पहले मालिक की लड़की को ले जा रहा है। बैठो जल्दी टैक्सी चलो। और वो जो सेठ की दूसरी लड़की ढूंढने जा रहे हैं हम लोग, वो पहले से इसकी कैद में है। अरे बाप रे, ये आदमी क्या लड़की उठाने का धंधा करता है क्या? अरे वो साहब, ये सब क्या है? देखिए भाई साहब, ये मेरी बीवी है। हाँ? इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, आज बहुत जोर का दौरा है, आप जल्दी से प्लीज मठालिन लीजिए। पागलपन का दौरा पड़ा है तो अस्पताल ले जाना चाहिए, मठालिन ले जाकर क्या करेंगे आप? हमें वो गेंडे बहुत भगभग करा, सीधी तरह चल ले, दौड़ा दो, चल। चलता हूँ साहब, चल जल्दी। अरे ना, आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई भाई, कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर कैसे कैसे उसके लिए पैदल कौन भाग के जाए? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई। तो पैदल कौन जाएगा, ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत, गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला ऊका है वाला सेठ। चल भाई जल्दी कर। कमलनाथ क्या हुआ? जाप आवाज करेगा तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? केले की तरह भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का है, है, शूटिंग को लेट। इधर गड़बड़ की तो यही ले जाएंगे तेरे को। हाँ। ये तो खुलम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है, जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा। सड़ा हुआ खून 10 खून। हाँ, हम लोग को हर एक मिनट में एक खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी है। चल बैठ अंदर, गोली मार दूं? नहीं नहीं नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ है। तो बैठ अंदर। तो बैठ जा, बैठ जा, गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले उधर देख, पीछा करो। सब उतर गए, मेरे कपड़े भी ले गए, अब मेरी शूटिंग का क्या होगा? इसे पहचानती हो ना? ये ज्योति है, विजय का प्यार, विजय की जिंदगी। सीमा को तो मैंने तेरी आंखों के सामने मार दिया, और अब इस ज्योति की जिंदगी तेरे हाथों में है। तू चुपचाप मुझसे शादी कर ले तो इस ज्योति की जिंदगी में उजाला बना रहेगा, अगर इनकार किया तो इस ज्योति को भी सीमा की तरह बुझा दूंगा। नहीं, मैं अपनी भाभी के कातिल के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। अरे कर ले, वैसे भी मैं तेरे साथ कोई जिंदगी भर के लिए शादी थोड़ी करूंगा। जैसे ही तेरी दौलत मेरे कब्जे में आ गई, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा, निकल पड़ूंगा किसी नई चिड़िया की तलाश में। क्यों, क्या ख्याल है, मंगाऊं शादी का जोड़ा? कभी नहीं, मैं कफन ओढ़ना पसंद करूंगी, लेकिन तेरा दिया हुआ शादी का जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी। बहुत गर्मी दिखा रही है ना, अब देख तुम मेरे कमीनेपन की गर्मी। नहीं मत मारो, नहीं मत मारो उन्हें। तो फिर शादी के लिए हाँ कह दे।
मुझे मंजूर है। मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी। किसने गधे से घोड़ी मिला दी। क्या है? मंगलवार? नहीं नहीं नहीं, बुधवार। अरे मंगल हो या बुध, वार तो है ना, वार ही में तो असली वार है। वार में तल लगा दो तो तलवार, चल लगा दो तो सलवार, परी लगा दो तो परिवार। मेरा मतलब है आप हैं कौन? ये तो पूछ के बताना पड़ेगा। किससे? किसी ऐसे आदमी से जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। हम उससे पूछेंगे तो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, आप दूसरे से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओफो, आप क्या क्या रहे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, भाई साहब, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा तो आपको कैसे समझाएं। कांग्रेचुलेशन, शादी हो रही है तो हम कौन सी अर्थी उठाने हैं, हम भी शादी। शादी, शादी, अरे भाई शादी होती है तो बाराती आते हैं। पहले बारातियों के स्वागत के लिए हाथी आते थे, अब हम जैसे खैराती आते हैं। हम लोगों का दिल बहलाते हैं, उनके सामने गाते हैं और मौका मिलते दुल्हन को लेके निकल जाते हैं। क्या मतलब? नहीं मतलब डोली में बिठा के यार। हाँ हाँ भाई, गाने तो इन्हें, बड़े मजेदार लोग हैं। जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक गाने बजाना हो जाए। गाने दो। लो, दूल्हे के पिता ने भी हाँ कर दिया। क्या? अरे दूल्हे के पिता ने हाँ बोल दिया। अरे यार, तू यहाँ भी शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया? अभी माई माई शुरू कर दिया था। तू अपने इलाज करा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई, कुछ भी और पटांग बातें करता मैं। दूल्हे जी, दूल्हे जी, शुरू करें। हेलो जेम्स। हाय बॉन्ड। संभल जाना, संभल जाना के रोके से न
अबे नाचने वाले क्या ये? ये बजाने का सामान है। ए, ए, ठहर। ये तेरे आदमी बोल पीछे हट। बोल नहीं तो तेरे गले की गली को गोली से खोद डालूंगा। बोल। पीछे हट जाओ। हट जाओ। हट बे। बोलो। तो उन लोगों को संभालना तू। हिलना नहीं। अबे काम कर। ये सब मेहमानों को बोल यहाँ से बाहर जाए। अबे मेरी शादी है। अबे ऐसी शादी पब्लिक भी नहीं होती। अपन अकेले में करेंगे शादी। बोल। ए भाई चलो भाई बाहर जाओ। यहाँ बावर छेड़ने वाली। चलो। चलो। जाओ। जाओ। हिले तो गोली मार दूँगा। चलो। चलो सुनो। राधा। बता लड़की कहाँ है? अरे कौन सी लड़की? ज्यादा होशियारी की तो गोली मार दूँगा। बोल किधर है? तुझे? मैं गोली मार दूँगा। बॉस, ये तो रबर की है। रबर? नहीं नहीं चमड़े का है यार। अबे मैं गन की बात कर रहा हूँ। माफ करना मैं असली लेकर आता हूँ। पकड़ लो जो कर दो। खबरदार, हिले तो गोली मार दूंगा। राजा ले जाओ उसको। अबे लड़की को मारो। अबे चमचो। कौन है बे? अरे ज्योति किधर है? अरे साला किधर गया यार? कौन? अरे वही जेम्स बॉन्ड का बच्चा। मैं बताऊं? भाग कर कहाँ जा रही हो? तुम क्या सोचती हो मेरे भाई? तू बताओ क्या होला? भाई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन ही मारता है? पकड़ो लड़की को। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे भाई भाई, आई 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 बैठिए 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 बैठिए। बात क्या है? आई 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 क्या? एक मिनट। इधर तेरी फोटो है। क्या बात कर रहा है? इसको बोलते हैं। सब उन लोग ऐसे करना चाहिए। पकड़ लें सबको। हरियम
नमस्कार, मुबारक हो, आपकी बेटियां मिल गई, लाओ हमारा इनाम। वो है कहाँ? इनकी बेटियां कहाँ है? वो तो चली गई। वो तो अबे क्या बात करता है, सारी मेहनत में पानी फेर दिया, कहाँ गई वो इस तरफ गई है, बाहर गई है। लो फिर भाग गया। कहाँ रही है? चल मन कहीं है? बता आशा, बता आशा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम भैया। ये रहा। धोखेबाज, बहुत दिनों से हमें तुम्हारी तलाश थी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शराब आदमी को पहली बार किसी ने हम लोग शुक्रिया कहा यार। पब्लिक में मत बोल यार। आओ बेटे चलो, हम लोग हैं इनाम। हाँ आपको मिल जाएगा, बंगले पे आइए। बंगले पे? आओ बेटे, मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं, आदमी अच्छा लग रहा है, मगर पीछा करो। जीती रहो बेटी, खुश रहो बेटे। बेटे सीमा की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम उसकी जगह। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं चेतन और बापू के साथ ही रहूंगी। ज्योति, सीमा ने हमें तुम्हारे और चेतन के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बेटे? मेरी भूल, मेरी गलतियों की सजा तुम मेरे बेटे और अपने आप को क्यों दे रही हो? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने नौकर की बेटी के सामने हाथ जोड़ना आपको शोभा नहीं देता। ना बेटी, तू तो हमारी बेटी है। माफ कीजिए माँ जी, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मुझे माँ बाप दोनों का प्यार बापू ने दिया है, और जब तक सांस बाकी है ये रिश्ता नहीं टूट सकता। चलो बापू। बेटे अगर तू इस गरीब को अपना बाप समझती है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना है, बाप अपनी बेटी को अपने घर से विदा करता है, हमेशा उसे अपने घर में नहीं रखता। बाबा। हाँ बेटे, ये उसका उसूल है जो सारे संसार का पिता है, उसके उसूलों को तोड़ने का हमें कोई हक नहीं है। बेटे जाओ, अपने ससुर जी के पांव छुओ, जाओ आशीर्वाद लो उनसे। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ बेटे, आओ। सुखी रहो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ना, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। ये बाप को बेटी मिल गई, बेटे को बाप मिल गया, मगर हम लोग कुछ नहीं मिला। आपने इनाम देने का वादा किया था, हम लोग 18 साल से आपकी बच्ची तलाश कर रहे हैं। आपने 1 लाख देने का वादा किया था। 1 लाख नहीं, मैं आप लोगों को 2 लाख दूंगा। माए, क्या कर दिया? मुबारक हो। क्या मुबारक, अभी तक ठीक थे, फिर शुरू हो गया तुम। कौन मैं शुरू हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया, तो अपने दिमाग का इलाज कर। मैं इलाज कर रहा हूं। वो देख पब्लिक 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 बोल दूं? आइंदा कभी किसी का कोई बच्चा घूमे, बच्ची घूमे, तो हम लोगों को ही कांटेक्ट करना, हम ऐसे ही फौरन बच्ची ढूंढ कर ले आएंगे। मुबारक हो, ठीक बोला ना? क्या बात है।